यूवी को ऑकवर्ड तरीके से बाथरूम में देखने के बाद यूवी कहता है, आज तुमने मेरा रखा हुआ खाना खाया, क्या तुमने खाना एंजॉय किया? और अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन सकते हो। अगर तुम्हें मेरे क्लोजेट से और कपड़े चाहिए तो भी ले सकते हो। यूवी इसके बाद सोने चला जाता है। लिवोन कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यूवी कहता है, मुझे टच मत करो और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लिवोन कहता है, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ जबकि तुम इतने नाराज़ दिख रहे हो? यूवी कहता है, इसे एक्ट मत करो जैसे कि हम कोई दोस्त हैं। गहरी सांस लो यूवी, सब ठीक हो जाएगा। यूवी कहता है, तुम्हें लास्ट में तकलीफ ही मिलने वाली है, इसलिए मुझसे दोस्ती की अपेक्षा मत करो। नीलान देखता है कि वो फिर से पसीने में है और हाँफ रहा है। अगले दिन वह उसके लिए फिर से खाना रख देता है और एक चिट रख देता है। यूवी सोचता है, मैंने उसे कितनी बार कहा है कि वो एफर्ट ना लगाए और वो सुनता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? यूवी को वही नींद आ जाती है और लिवोन उसे एक चादर ओढ़ाता है। वह सोचता है, मैं अपने बिजनेस पर कैसे ध्यान दे लूं? तुम खुद की केयर करते ही नहीं हो। मुझे एक कंपटीशन में भाग लेना है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। जब मैं स्टोर गया था तो तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आया था। तुम मुझे लाइक मत करो, पर कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें खाना तो खाना ही होगा ना, वरना मुझे चिंता होगी कि तुम ठीक भी हो या नहीं। अच्छे से एग्जाम देना यूवी, और अगर इस चीज़ से तुम ओके हो तो मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ समझना पसंद करूँगा। मुझे अब जिम जाना होगा। अकेडमी में लिवोन का कोच कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम शर्टलेस क्यों हो और तुम्हारे बैग्स में टारगेट्स क्या कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग आखिर है कहाँ? तुम्हें अपना दिमाग गेम पर लगाना चाहिए वरना तुम हार जाओगे। आप सभी लोग ज़्यादा मेहनत मत करना और यहाँ से जल्दी चले जाना। जोंगमिन कहता है, लिवोन सभी जा चुके हैं, तुम नहीं आओगे क्या? लिवोन कहता है, मुझे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। जोंगमिन कहता है, कोच ने कहा था ना ज़्यादा मेहनत मत करना? लिवोन कहता है, हाँ मैं भी बस एक कॉल छाड़ लेने वाला हूँ। जोंगमिन कहता है, तुम ठीक हो ना? लिवोन कहता है, ऑफकोर्स। लिवोन नहाते वक्त सोचता है, मुझे लगता है कि वह क्लासेस के अलावा डोम से बाहर भी नहीं निकलता और शायद उसके किसी और से दोस्ती भी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। उसने मुझसे कहा था कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें हर्ट ही महसूस होगा। पता नहीं मुझे उसकी शक्ल क्यों याद आ रही है। मेरे साथ कुछ तो गलत है यूवी। मैं यहाँ इसलिए रुका क्योंकि मैं अपना दिमाग क्लियर करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें अब और भी ज़्यादा होल्ड करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें होल्ड करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं तुमसे कैसे दूर रह लूँ यूवी? मैं तो तुम्हें अभी अपनी आर्म्स में कैद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। यूवी कहता है, यहाँ आओ और सो जाओ। लिवोन उसे हक करके कहता है, थैंक यू सो मच बेबी। यूवी कहता है, मैंने तुम्हें सोने को कहा था, मुझे हक करने को नहीं। लिवोन कहता है, पर बाहर कितनी ठंड है ना। यूवी कहता है, तो फिर और कपड़े पहन लो पर मुझसे दूर हटो। लिवोन कहता है, इतना काफ़ी नहीं होगा, मैं तुम्हारे और ज़्यादा पास आ जाता हूँ। यूवी कहते हैं, हे ये तुम क्या कर रहे हो? लिवोन कहता है, तुम इतने रूड क्यों बर्ताव करते हो? दिस इज़ परफेक्ट, हम एक दूसरे को वार्म रख सकते हैं। तुम मुझे पुश क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहाते हुए भी देखा है। यूवी कहता है, मैंने कौन सा जानबूझ कर किया था, तुमने मुझे देखा था। लिवोन कहता है, कुछ दिन से मेरे कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। यूवी कहते हैं, हाँ तुमने मुझे इस बारे में पहले भी बता दिया था। लिवोन कहते हैं, उस टाइम तुम सो नहीं रहे थे क्या? मैंने उस टाइम कुछ और कुछ तो नहीं पक दिया था। एनीवेज बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, अगर तुम मेरे लिए रूट करो तो शायद मैं कंपटीशन भी जीत जाऊँ। यूवी कहता है, मेरे मुझसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी चीज़ों को नज़र लगा दूंगा। लिवोन कहता है, कम ऑन, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता। तुम्हारे सपोर्ट के बिना क्या पता मैं किक भी ना कर पाऊँ। तुम कुछ भी एनकरेजिंग नहीं कहोगे क्या मुझे? यूवी धीरे से कहता है कि खेल मत छोड़ना। लिवोन कहता है, अभी तुमने क्या कहा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। यूवी कहता है, गुड लक। लिवोन कहता है, एक बार फिर से कहो। यूवी कहता है, मुझे हक करना बंद करो। लिवोन कहता है, हे प्लीज़ एक बार और कह दो ना। यूवी कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
लिवोन कहता है मैं जीत कर आऊंगा बेबी, मेरा इंतजार करना। यूवी कहता है मुझे इस नाम से मत बुलाओ। कुछ दिन बाद का सीन, लिवोन को याद आता है कि यूवी ने उसे गुड लक कहा था और वह ऐसा कहते वक्त कितना क्यूट लग रहा था। मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकता उसे देखने के लिए। उसका कोच कहता है तुम कैसे हरकतें कर रहे हो, तुम नर्वस तो नहीं हो ना? लिवोन अपनी सुप्रीम पावर जगाकर कहता है नहीं, मैं तो बिल्कुल उल्टा महसूस कर रहा हूँ, आज तो ये मेडल सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और लिवोन वो मैच जीत जाता है, वो भी बिना कोई एफर्ट के। यूवी बेड पर सोते हुए कुछ लिख रहा होता है, लिवोन आकर उसे हक करता है और कहता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। यूवी कहता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? लिवोन कहता है नहीं, मैंने उसे मौका ही नहीं दिया, उसे वहीं पर धूल चटा दी। क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी, मैंने इतना औसम काम किया है। यूवी कहते हैं ऐसी अजीब हरकतें मत करो और यहाँ से हटो अभी के अभी। लिवोन कहता है क्या बात है, क्या तुम शाई महसूस कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मेडल जीता? यूवी कहता है ऐसी बात नहीं है, पर तुम अभी किस पोजीशन में हो, क्या तुम हट नहीं सकते? लिवोन उठता है और कहता है अरे हाँ, मुझे याद आया कि मुझे जिम वाला कोई इक्विपमेंट लेकर आना है। लिवोन भागते हुए सोचता है कि मेरी बॉडी ऐसे ये क्यों कर रही है, मुझे भागते रहना होगा जब तक कि मेरा दिमाग सही ना हो जाए। वही यूवी सोच रहा होता है कहीं मेरे भाई को इस बारे में पता ना चल जाए, पर मैं अभी भी उसकी गर्माहट को महसूस कर सकता हूँ। यूवी अपना होमवर्क कर रहा होता है, वह उसे लिखते लिखते उसमें लिखता है कि चलो साथ में लंच करने चलते हैं। यूवी सोचता है अरे नहीं, ये मैं क्या लिख रहा हूँ अपने नोट्स में। यूवी को बस वो चिट्ठी याद आ रही होती है जो लिवोन उसके लिए लिखता है। यूवी सोचता है पेपर के सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा है, मुझे फोकस करना होगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसकी शक्ल याद आ रही है। आई थिंक अब तो मेरी स्कॉलरशिप गई लगती है, मेरे प्लान मेस्ड अप हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तभी वह किसी से टकरा जाता है और वह कहता है तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, थोड़ा देख कर चलो, अगर तुम ऐसे खोए खोए रहोगे तो शायद तुम मेरी बाहों में एंड अप करोगे, इसलिए ध्यान रखो बेबी। लिवोन के साथ उसके दोस्त भी होते हैं उसे चिढ़ाने के लिए। लिवोन कहते हैं आई होप कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा, तुमने मेरी चिट देखी ना, चलो खाना खाने चलते हैं दोपहर को, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे साथ लंच करने को। यूवी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँगा? लिवोन कहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ। यूवी कहते हैं तुम्हारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। लिवोन कहता है पर मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है बेबी। जोंगमिन कहता है साले तुम उसके लिए हमें छोड़ रहे हो। एना कहती है हम खाना खाने वाले थे ना साथ में। एना कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी सुंदर है वैसे लिवोन। लिवोन कहता है आखिर वो मेरा रूममेट है। जोंगमिन कहता है तुम्हें इसमें प्राउड फील करने वाली क्या बात है, वैसे तुमने सुना वह उसे बेबी कह रहा है। एना उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाती है और पूछती है क्या तुम हमारे साथ लंच करने चलोगे? तुम चल क्यों नहीं रही, क्या तुम्हें एलर्जी है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? लिवोन कहता है पीछे हटो, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं लंच पर। एना कहती है कम ऑन, हम साथ में भी तो लंच कर सकते हैं ना, तुम इसके पर्सनल मैनेजर थोड़ी हो, इससे भी तो पूछने दो। लिवोन कहता है इसे इसके नाम से मत बुलाओ। यूवी कहता है तुम लोग जाओ, मैं इसके साथ अकेले लंच पर जाऊँगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।